याला दो याला फेंक दो। टिम कर, टिम टिम आइए जल्दी, टिम टिम आइए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल रीम ब्लॉग्स एंड रिव्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे और सर्दियों के पूरे मज़े ले रहे होंगे। सर्दियों के मज़े सिर्फ घर में मत लीजिए, थोड़ा बहुत बाहर भी इंजॉय कीजिए। इस मौसम में घूमने के अपने ही मज़े हैं और फिर न्यू ईयर का टाइम है तो कहीं ना कहीं जाना तो बनता है, थोड़ा बहुत घूमना तो बनता ही है। तो हमने भी सोचा चलो टिमटिम को लेके चलते हैं, थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। जेड स्क्वायर में काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा है तो चलिए इसी बहाने टिमटिम को भी थोड़ा सा बाहर की आउटिंग करा के लाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस टाइम पे सारे मॉल्स में एंड सारे रेस्टोरेंट्स में, तो काफ़ी सारी भीड़ होती है। फिर भी हम लोग ने थोड़ा सा टाइम निकाला और टिमटिम को लेके गए। तो पहले हम लोग गए थे जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर में नीचे हम लोग ने थोड़ा सा वहाँ बिग बाज़ार में गई थी। बिग बाज़ार में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं तो वापस हम लोग फिर आ गए जेड स्क्वायर में और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे और आप अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ रहती है इस टाइम पे, क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर हो, ऐसे टाइम पे जेड स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, लोग थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने आ जाते हैं। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, मैं कुछ खा लेती हूँ, जब तक आप वीडियो एंजॉय करिए। इतनी फिश पसंद है कि जेड स्क्वायर आके बस वो यहीं पे रुक जाती है, इसके आगे कहीं जाती ही नहीं है, बस उनको फिश ही देखना होता है। तुमने बहुत सारा एंजॉय किया और अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना भी खाया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया। और आपका न्यू ईयर कैसा गया?